सवाल पूछा गया नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से या फिर कांग्रेस से, तो उन लोगों का बहुत साफ कहना था कि बड़ा चुनाव है, चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए हम सब लोग अलग 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 तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। एक जगह हम तीनों पार्टी अपनी ताकत पूरी नहीं झोंकेंगे क्योंकि हमें 5 फेजेज में चुनाव लड़ना है। देखिए एक बात बहुत साफ है अरेंद्र, एक राष्ट्रीय पार्टी जो आपके मेहमान भी कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका स्तर इतना कम हो चुका है राजनीतिक रूप से कि वो आज अपने दो क्षेत्रीय पार्टनरों के रहनुमाई पर 41 सीटों पे है, उसमें भी 41 उम्मीदवार उनके अपने नहीं है, उसमें कुछ आरजेडी के उम्मीदवार है। दूसरी बात, दोनों अगर उम्मीदवारों, अगर दोनों पार्टियों की हम बात करें आरजेडी और जेडीयू की, रामकृपाल जी ने कहा कि यही नीतीश कुमार बहुत बुरे थे 2014 से पहले कांग्रेस के लिए, और 2010 में लालू प्रसाद यादव से जब समझौता होना था राज्य में चुनाव के लिए, तो जब वो समझौता नहीं हुआ, 20 सीटों को लेकर आनाकानी हो रही थी, तो कांग्रेस अकेले 243 पे लड़ी थी और 4 सीटों पे सिमट गई थी। तो ये तो गठबंधनों के साथ रिश्ते हैं। राहुल गांधी उपाध्यक्ष कांग्रेस के आना नहीं चाहते हैं, लालू प्रसाद के साथ किसी मंच को साझा नहीं करना चाहते क्योंकि लालू प्रसाद सजा याफ्ता है। वहां सोनिया गांधी का कहना है कि हम अलग अलग प्रचार करेंगे। भीतर के जो द्वंद हैं इन तीनों पार्टनर्स में वो बहुत साफ दिखाई देते हैं और वो मंच पे भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऋतु, अपने आप में बड़ी बात आप जो कह रही है, जमीन से ये चीजें अक्सर रिपोर्ट्स में निकल के आ रही कि आपस में भी कहीं जो मतभेद या मनभेद है वो कई बार रिपोर्ट्स के जरिए आ रहे हैं। विजय क्रांति जी, एक जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहेंगे कि आखिर आपको लगता है कि जब इस प्रकार के महागठबंधन में मनभेद की बात जब निकल के आती है तो कैसे साझा तौर पे ये जो महागठबंधन की बात आ रही वो जमीन पर उतरती नजर आएगी? नहीं, वो जमीन पर उतरते हुए ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस ने लालू यादव के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा और लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। दोनों की हालत यह है कि एक मंच पर खड़े होने की आज भी दोनों में कहीं पर ना तो इच्छा है और ना इच्छा शक्ति है, और ना लोग शायद स्वीकार करेंगे, ना उनकी पार्टियां स्वीकार करेंगी। तो ये जो मजबूरी वाली राजनीति कांग्रेस में है उसकी झलक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने डिफीट अपनी उसी दिन मान ली थी। पहले तो ये कि जब बोला जा रहा था कि राहुल गांधी आज अध्यक्ष बनाए जाएंगे, आज नहीं तो कल बना दिए जाएंगे, और उसके बाद अचानक पता लगा नहीं, वो अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहेंगी। मुझे लगता है कि ये कहीं पर एक स्वीकारोक्ति थी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस का हाल बिहार में बहुत बुरा होने वाला है और वो जो पूरा ठीकरा जो है राहुल गांधी के सिर पर नहीं फोड़ना चाहते थे, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये एक एडमिशन ऑलरेडी वो कर चुकी है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में। जी रामकृपाल, आज ट्रेजेडी ये है कि सामाजिक आंदोलन जिस पार्टी को हटा करके सामाजिक आंदोलन आया, जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति कहा था और कांग्रेस को केंद्रीय सत्ता को कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, उसको निस्तनाबूत करके जो सामाजिक आंदोलन पैदा हुआ, आज वो सामाजिक आंदोलन उसी कांग्रेस की बैसाखी पर अपने सामाजिक दोबारा भावी सामाजिक आंदोलन को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो विचारधारा के आधार पे कहां खड़े हुए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका और विजय क्रांति जी आपका, ऋतु आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और तो एक तरीके से चर्चा में फिलहाल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी खबरें आपको जनादेश में हम दिखाते हैं। बात मतदाताओं की